है आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुंबई में जिस फिल्म सिटी में हम मौजूद हैं, न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां निकाल दी ये समझने के लिए कि कैसे वो फिल्म बने जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो। न जाने इसी फिल्म सिटी में कितने लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि एक्शन कितना डालें, रोमांस कितना डालें, किस स्टार के साथ आगे बढ़ें कि कमाई इतनी हो कि वसूली हो जाए और उसके साथ ही कामयाबी की बुलंदी भी मिले। लगता है वो फॉर्मूला अब क्रैक हो रहा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे साथ जो तीन लोग मौजूद हैं वो तीनों अब इस मकाम पर हैं कि अब 100 करोड़ का क्लब बहुत पीछे छूट गया है। सलमान खान, आइए आपको मिलाते हैं टाइगर जिंदा है के स्टारकास्ट से। हमारे साथ हैं सलमान खान, कटरीना कैफ और वो जादूगर जो लगातार इस करिश्मे को कर रहा है सलमान खान के साथ, अली अब्बास जफर। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे शो में। सलमान खान, अब तो सर 100 करोड़ का क्लब पूरा, 100 करोड़ का क्लब हम बैली तोड़ पाए लास्ट पिक्चर में, बैली तोड़ पाए। ट्यूबलाइट के अंदर हम कुछ 100 से 125, 128 तक पहुंचे हैं तो, लेकिन ये 100 का फिगर भी तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और आप जो कह रही थी कि ये फार्मूला मिल चुका, ये फार्मूला किसी को भी नहीं मिल सकता। जिस दिन ये फार्मूला मिल गया वो फ्लॉप फिल्में तो बनेंगी ही नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं जो इतना अच्छा नहीं धंधा करती, और कुछ फॉर्चुनेट फिल्म हैं जिन फिल्म की तकदीर 250-300 की होती, वही फिल्म यू नो वो 250-300 क्रॉस कर जाती हैं। एक फॉर्मूला लगता है कि सलमान खान खुद हो गए हैं लगातार 12 फिल्में जो 100 करोड़ क्लब। मेरा कोई फार्मूला है नहीं, जो पिक्चरें मैंने बचपन में देखी थी, जिन जिन हीरो की पिक्चरें देखी थी, जिस किस्म की पिक्चरें देखी थी, वही मैं करना चाहता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था हमने बीच में, अब उसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं। वो हालांकि वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो पिक्चर बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी हिट थी, लेकिन जो हमारे किस जो फिल्म हम दे रहे हैं हमारे कैपेसिटी में, वो फिल्म ऐसा लग रहा है कि वो चली नहीं, लेकिन वो फिल्म चली है और बहुत अच्छा धंधा किया और टीवी पर जब आई तो बड़ी ही अप्रिशिएट हुई वो फिल्म, और उस फिल्म का नाम है ट्यूबलाइट। आप ट्यूबलाइट से अटके हुए लग रहे हैं मुझे। अब जल गई लेकिन ट्यूबलाइट, अब लेकिन जल गई टाइगर जिंदा है के साथ ट्यूबलाइट जली थी, ये बात नहीं है। और ये जो कह रहा था मैं सीरियसली कि ये 100 करोड़ का एक बैरियर तोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे हीरोज़ हैं ऐसे जो उनको भी ये नसीब होना चाहिए 250-300, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, स्क्रिप्ट्स बहुत ही बढ़िया चूज़ करते हैं, लेकिन वो पार नहीं कर पाते हैं। एंड आई होप इंशाल्लाह एक दिन ऐसा दिन आए कि सभी 250-300 या हज़ार हज़ार मारें, और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। टाइगर जिस दिन है। हमारे पास वो थिएटर्स आ जाएंगे वो हम वो फिगर तो मार ही देंगे। टाइगर जिंदा है ने इतनी जल्दी 300 करोड़ क्यों कमाया, क्यों हिट हुई है फिल्म? अगर ये बात हमें पता होती तो हम आपको बताते हैं। इस बात का ना मुझे कोई इल्म है ना इन्हें कोई ज्ञान। हमने एक फिल्म बनाई थी जो हमको अच्छी लगी, वो फिल्म पसंद आई लोगों को। ऐसे हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जो कि हमको अच्छी लगी लेकिन वो 300 नहीं टच कर पाई। तो ये फिल्म की तकदीर ऐसी थी, लोगों को पसंद आई, जो हमको पसंद आई वो लोगों को भी पसंद आई, जितनी हमको पसंद आई लोगों को उससे कहीं ज़्यादा पसंद आई, और अभी भी आ रही है। टाइगर जिंदा है सिर्फ तकदीर को क्रेडिट देना ठीक है क्या कटरीना? या आपके एक्शन सीन्स को भी क्रेडिट है? Definitely, you can definitely give me some of the credit. But honestly, I think Ali's made a great film. I really think that his vision for the film and the way he told the story, it was spectacular. And I mean, when I saw the film, I kind of saw it as an audience, and I loved it. I loved it. No? He's making faces. पिक्चर के दौरान तो ऐसा इनको कभी लगा ही नहीं था। ये हमेशा से कंप्लेन। Now this will be another parallel story happening here throughout the film. इसको चेक कर लो, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन फिर इन्होंने इन्होंने इतने इम्पोर्टेंट अली से पूछ लिए, इतने इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए थे जो हमसे मिस हो गए थे कि बीच में एक सजेशन बताइए क्या जो कि बहुत क्रिएटिव रहा हो। मुझे पता नहीं, प्लीज आप पूछिए मुझे कोई। वुल्फ फाइट
नहीं सर जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन ये था कि एक था टाइगर के बाद हीरोइन वही होनी चाहिए. मतलब मैंने ये कभी नहीं बोला. ये पेयरिंग उसके बाद वैसी हिट पेयरिंग है और वैसी हिट पेयरिंग है और ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. तो देयर वाज नो बेटर चॉइस देन कैटरीना कैफ इन द टाइगर जिंदा है. टाइगर इसलिए जिंदा है क्योंकि टाइगर जिंदा है. टाइगर जिंदा है. बट देयर वाज नो क्वेश्चन टू दिस आंसर यू हैव जस्ट गिवन. अगर आप पूछे हमसे कि अली अब्बास ने कैसी फिल्म बनाई है तो हम बोलेंगे तो बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है. क्रेडिट जाता है कैटरीना कैफ को. क्रेडिट किसको जाता है अली? नहीं कैटरीना को जाता है. थैंक यू वेरी मच. Seen as nobody wants to take it, then I should take it only, na? This uncomfortability is there in the air, na? देखो heroes के ऊपर वो जो हम heroes हैं जिनकी एक already action image बन चुकी है, वो action convincingly कर लेते. But for a heroine to come and do action so convincingly and such physical action was very difficult. And I don't think today के इस industry के अंदर अभी इस वक्त कोई ऐसी लड़की है जो कि इतना फिजिकल, इतना हार्ड वर्क और इतना कन्विंसिंग लगती पर्दे पे. जो इन्होंने एक्शन किया है वो अच्छे अच्छे हीरो भी नहीं कर पाते. और आई नो फॉर अ फैक्ट इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्हें बहुत चोटें लगी हैं. और वो जब बंदूक पकड़ती हैं, जब एक्शन करती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रियल में 4-5 आदमियों को मार सकती है. और इनकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त रही है. रोज़ 3-3, 4-4 घंटे ये एक्शन पे ट्रेनिंग करती थी. कभी यहाँ पे नील पड़ जाता था, कभी यहाँ पे नील पड़ता था, तो कभी गर्दन में चोट आती थी. एंड शी इज़ गिवन ब्लड टू दिस फिल्म. व्हाट हैव यू गिवन अली? आप एक सलमान खान को जब आप फिल्म में लेते हैं सुल्तान, और ये क्या अप्रोच है? कभी ऐसे बैठ के वो बोर्ड पे आप बनाते हैं क्या कि इतना एक्शन कराना है और ये रोमांस भी है, इसका इतना कॉम्पोजिशन, इतना कंपोनेंट होना चाहिए, क्या सोच होती है? नहीं एक्चुअली देखिए ये सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अब आई थिंक ये काफ़ी चीज़ कॉमन होती जा रही है कि स्टोरी जो है वो फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा पहले भी था. अब मतलब अंकल से, सलीम अंकल से हमारी हमेशा बात होती रहती है और वो हमेशा यही बोलते हैं कि देखो हमने सिर्फ कहानियाँ लिखी और वो कहानियाँ जो हैं वो फिल्म से ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं, यू नो. और भाई के साथ जब भी मेरी सुल्तान को लेके बात हुई या टाइगर जिंदा को लेके बात हुई, इनका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो ये है कि जब ऑडियंस थिएटर छोड़ेगा तो वो किस चीज़ को लेके घर जाएगा. और हमारा जो मेन मुद्दा था इस फिल्म के अंदर वो यही था कि जो कहानी हम लोगों तक कहना चाहते हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में जानी चाहिए. मतलब एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, गाने, ये तो एक माध्यम है लोगों को एंटरटेन करने का. बट व्हाट डू इवेंचुअली ऑडियंस लीव द फिल्म विथ, यू नो. सुल्तान के अंदर वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, उस आदमी की अपनी लड़ाई थी. टाइगर जिंदा है के अंदर वो एक ग्लोबल लेवल की लड़ाई है. एक मतलब एक टुगेदरनेस के लिए, एक भाईचारे की लड़ाई है कि भाई अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा. हम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है. एंड ऑल दोज थिंग्स आई थिंक व्हेन यू से कि क्या चीज़ है, क्या कोई फॉर्मूला है, आई थिंक फॉर्मूला कुछ नहीं है. लेकिन वक्त, जिस वक्त में जो कहानी इम्पोर्टेंट है अगर आप वो कहानी कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस तक जाती है और फिर लोग उसे सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर जिस हिसाब की मेहनत गई फिल्म में वो दिखता है. सलीम साहब, आपके पिता क्या कह रहे हैं फिल्म के बारे में? उन्होंने जब पिक्चर देखी और उन्होंने पिक्चर मुझसे पहले देखी, उन्होंने कहा कि भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट है. लेकिन इस फिल्म के अंदर मेहनत बहुत गई, फिजिकल मेहनत बहुत गई है. प्रोडक्शन आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म्स देयर इज. राइटिंग के ऊपर बहुत मेहनत की गई है इस पिक्चर के ऊपर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस फिल्म के अंदर कि इस फिल्म को बनने के बाद बार बार देखा गया है.
बार 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 कि ये निकालें ये डालें ये निकालें ये डालें, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ गई, इसको वापस डाल देते हैं, इसको निकालें. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द एडिटिंग टेबल दैट इज ऑन इन दिस फिल्म व्हिच पीपल डोंट यूजुअली डू. वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस फिल्म. फिर थोड़े से बिट्स हमने रीशूट भी किए, कुछ क्लोजअप्स किए हैं, कुछ डायलॉग्स किए हैं, यू नो कुछ चीज़ कहीं कहीं स्पून फेड हो रही थी वो निकाल दिया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो डाल दिया. और बेसिकली करते करते व्हेन यू वॉच द फिल्म इट लुक लाइक स्टोरी वगैरह तो हर चीज़ थी, एक्शन भी था, गाना भी था, वॉज रियली वेल बैलेंस्ड फिल्म. एंड टुडे व्हेन वी सी इट इन द थिएटर इट लुक्स लाइक कोई फेस्टिवल चल रहा है, एक यू नो इट्स अ पार्टी प्लेस इन द थिएटर. कि एवरी वन इज यू नो किसी भी मूड में जाओ इन द गोइंग टू द थिएटर एंड इट्स दे एंजॉयिंग देमसेल्व्स. इट्स लाइक अ फेस्टिवल. या इट्स लाइक अ फेस्टिवल हैपनिंग इन द फिल्म. Maybe they were not even watching the film, but they're saying the dialogues and they're enjoying the film with the film, dancing with the songs, enjoying the action. सीटियाँ इनके ऊपर, सीटियाँ हमारे ऊपर. और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो हार्ड वर्क है इस फिल्म का वो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग. मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी आपके बारे में बोला, तो अब थोड़ा आपको भी बोलना चाहिए. जो यूनिवर्सल भाई ये बन गए हैं और भाई की फिल्म है और भाई की फिल्म में के लिए जाना है और ग्रुप्स बन रहे हैं कि भाई की फिल्म को तो मिस नहीं करना है. इनका भाई नहीं हूं मैं. I said यूनिवर्सल भाई इनको छोड़ के. वो तो हमने ऑनलाइन आपने कहा ना ऑन एयर ऑफ एयर केमिस्ट्री, तो वो दोनों वर्ड्स हमने अच्छे से नोट कर लिए. That's an important point. So sorry, what was the question? No. जवाब नहीं देना चाहिए. सवाल ये था कि जो सलमान खान की शख्सियत और जिस मकाम पे वो अपने करियर में इस वक्त हैं, तो एक क्रेज है कि भाई की फिल्म मिस नहीं करनी है. Oh, I think that's definitely undeniable and that's an unarguable fact. However good the film is and however much of an incredible film Ali has made, and I know because Ali is also a friend of mine, he never wants to depend or he never tries to depend on Salman's you know, huge stardom. He always takes that actually as a bigger pressure to make an even better film or to be able to deliver him a film that is worthy of his status. But in terms of the fan following, you can say, or the love that people have for Salman, I don't think anyone again has the answer for that. Otherwise, everyone would be doing the same things. Mm. It's I guess it's in his destiny. I think it's a divine connection. I always say it. It's a मतलब वो एक नूर है जो कि है मतलब and you can't get it. मैंने जब पहली बार सुल्तान एक single screen theater में देखी या Tiger देखी, it's like when he comes on screen. It's like audience talk to him as if he's their life. वो बहुत कम superstars के साथ होता है और I think वो एक divine connect है और उसको जब सही तरह से कहानी push करती है, performance push करती है, then it gets enhanced. I think that the thing is only when you have an emotional bond with your fans, you know, from kids to women to guys to you know, parents, बुजुर्ग, yeah, from dada dadis to parents. Only when you have that ek emotional connect, you know, only then I think you can, ye hamara bachcha hai, you know, we want a brother like this, we want a boyfriend like this, we want a son like that. Only when that comes across, you know, on screen or off screen, I think only that is the time that you can, you know, be anywhere like this. Aur aap dono ko bhi dekh kar log bade involve hote hain. Ji. To wo barf pe painting aapne banayi thi ya wo totally photoshop tha? Nahi, start ki thi maine. फिर कंप्लीट इन्होंने की, क्योंकि जब मैं इनकी तस्वीर बना रहा था तो ये थोड़ी सी विद्या बालन लग रही थी, तो इन्होंने फिर उसको चेक कर लिया. We have similar noses. अच्छा सलमान, कमिंग टू अ सीरियस पॉइंट, ये लगातार मैं इसमें मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. बजरंगी भाईजान से लेकर अभी तक ये जो लगातार फिल्में आ रही है, एक कॉन्स्टेंट मैसेज आपका दिख रहा है towards peace, coexistence, जैसा कि उन्होंने कहा. जी. ये conscious effort है. Superstar. जी हाँ. ऐसे वक्त पर जब दुनिया. जी. All these noble characters that I'm playing, they're amazing on screen. And I thought के इतने अच्छे-अच्छे characters करूँ कि जब मैं घर लेके जाऊँ, at least 25-30% उन characters का मैं अपने दिल में, अपने ज़हन में लेके चलूँ. So it's the beautiful characters. But you just play the characters and leave them on screen, it doesn't make any sense.
if you're playing those characters, then you should take back home something. Hmm. Because I know for a fact, jab this film medium is a very powerful medium. I see a lot of people's lives changing when they see something really good on screen. You know, one line changes their lives. So when their lives can change, our lives can change too. Because we're playing those characters and we believe in those characters. So why would we do those characters? इसी फिल्म में एक डायलॉग है आपका, जज्बाती नहीं जज्बा होना जरूरी है। असल सलमान खान क्या है अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं, दिल में उतरता हूँ समझना मुश्किल है, क्या है सलमान खान, कौन तेरे नाम वाले हैं, सिर्फ ये वाले हैं? मैम वो एक कांस्टेंट ग्रोथ है, जब ऐसे में समझ जाता हूँ अपने आप को फिर कुछ और हो जाता है, फिर समझ नहीं पाता हूँ। वो मेरी समझदारी इज नॉट कैचिंग अप टू द मोमेंट टू मोमेंट ग्रोथ। By the way, you know Sultan or Tiger Zinda Hai mein, both the film starts with Anjana. Hmm. She's the reporter I from Aaj Tak. So आपने भी 300 करोड़ की प्लस दो फिल्में दे दी। तो lucky mascot मैं वही हाँ, तो मुझे इंटरव्यू ऐसे शुरू करना चाहिए था कि मैंने दो दे दिए, बुलाते हैं मिलाते हैं अंजना और सलमान, आपको फिल्म में मेरा काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिल्म की शुरुआत इतनी बेहतरीन थी, इतनी बढ़िया थी, इतनी खूबसूरत थी, इट पुल्ड खूबसूरत वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, बट कमिंग बैक टू समझना सलमान को, आप समझ पाए सलमान खान को? या आई थिंक सो। क्या आई मीन आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स नाउ, सो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव। आई डोंट थिंक आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, बट देन आई डोंट थिंक So everything that you know about him? I don't think any human being knows every single thing about another human being. I think I do. I'll let you know for sure when I'm sure if I do. Two lines. अगर दो लाइन में आपको बताना हो कि आपने क्या समझा है सलमान? नहीं ये तो मेरे पे वॉल्यूम लिख दे, दो लाइन क्यों, दो लाइन में? Yeah. बहुत मुश्किल होगा. Name of the book. I need a full book. A few volumes. किताब का नाम क्या होगा? Oh no. किताब का नाम क्या है? Director साहब. सलमानोपीडिया. मैं क्या, तुम बताओ तुम्हारे. सलमानोपीडिया. Salman? No. No, that doesn't sound very nice. I don't have an answer at the moment for that. नहीं नहीं कुछ दिमाग में सोच लिया है। और मुस्कुरा भी रही है सोच सोच के। No, I swear I don't. लेकिन I think वो टीवी पे बोलने के लिए नहीं था। Do you have any idea? Then censorship. आजकल censorship बहुत हो रही है। नहीं censorship में वो कभी ऐसा सोचती भी नहीं है। Funny होगा but. अगली फिल्म की तैयारी हो रही है सलमान के साथ फिर से? जी चल रही है, अभी करेंगे जी, करेंगे अभी। हाँ अभी तो बहुत जल्दी है उसके बारे में बात करना अभी जी। नो सीरियसली जब टाइगर की इन्होंने मुझे एक वन लाइन सुनाई थी व्हेन वी वर शूटिंग फॉर सुल्तान, वो एक टाइगर जिंदा है टाइटल ये है और ये वन लाइन है, at that moment I said you know this is a sure shot hit, isko ab tum kitni achhi banao ya kitni gandi banao iske upar depend karta hai, kitni badi banao iske upar depend karta hai, and today he's made an incredible film. ye film to bahut acha kar gayi aur mujhe lagta hai har week 100 crore add ho rahe hain to aur bhi add hoga, lekin wo sawal jo salman ko sabse zyada irritate karta hai, वो सवाल पूछे बिना कोई इंटरव्यू खत्म नहीं होता। रानी मुखर्जी ने बच्चे तक की बात कर ली। कौन कब? रानी मुखर्जी ने शो में कहा कि लोग शादी के बारे में पूछते हैं, बेबी कब आएगा, फिर वो पूछना चाहते हैं। हाँ क्योंकि उनका बच्चा हो गया ना, तो वो बस अपने बच्चे से अटैच है। वो हेलीकॉप्टर में आई और फिर हेलीकॉप्टर में चली गई बिग बॉस करके। तो आई थिंक जैसे कि अभी जब उनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने बोला शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, जब उनका बच्चा हो गया तो बोलने की नो यू शुड हैव अ चाइल्ड, यू शुड हैव अ चाइल्ड, जब बच्चे का बच्चा हो जाएगा तभी बोलेंगे यू नो यू शुड हैव अ यू नो अ ग्रैंडचाइल्ड। इससे अभी तक बच्चा नहीं हो तो ग्रैंडचाइल्ड कैसा होगा? फिल्म्स के साथ आपका रोमांस चल रहा है और वो रोमांस चलता रहेगा जी, और आप वहीं पर टिके रहेंगे और आने वाले वक्त में भी ऐसी बेहतरीन फिल्में करते रहेंगे। क्या बढ़ती उम्र के साथ, मुझे मतलब सही शब्द इसके लिए क्या होगा? नहीं सही शब्द वही है, सही शब्द है, बड़ी बढ़ती उम्र के साथ भी बहुत तेजी से उस तेजी के रफ्तार से बढ़ती उम्र के साथ साथ जी वहां पर आप है। वांटेड के बाद जो आपने एक मुझे लगता है रीटेक ऑफ किया जी, वो
उसका मंत्रा क्या है? मैं थोड़ा सा एक समय मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया था, लथार्जिक हो गया था, और उसका रीज़न ये था कि जो मैं फिल्में कर रहा था क्योंकि मुझे काम करना था और वो जो फिल्में थी वो यू नो उस लेवल पे नहीं थी। और एक दिन मैंने सोच लिया कि अगर मुझे फिल्म में इतना अगर इंटरेस्ट नहीं है, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द फिल्म ASAP, मैं वो फिल्म करूँगा नहीं। एंड सोचना था, एंड फिर मुझे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए जो कि आई वांट टू स्टार्ट लाइक राइट नाउ। सो दैट इज लाइक द मेन थिंग, इफ यू हियर अ स्क्रिप्ट एंड यू वांट टू यू नो फिनिश ऑल योर अदर फिल्म्स एंड स्टार्ट दैट फिल्म, आई थिंक दैट इंटरेस्ट लेवल इन द फिल्म, दैट मीन्स यू कांट वेट टू स्टार्ट दैट फिल्म, और बिकॉज दैट फिल्म इज सो गुड दैट यू रियली वांट टू डू इट। लेकिन आप आमिर का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान के लिए अपने आप में एक करिश्मा है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं बेल्ट ऐसे हिलाने की ज़रूरत होती है फिल्म में, और मैडनेस और क्रेज है सलमान के नाम का जी। तो ये आमिर कभी झूठ नहीं बोलते, he's honest, he's pretty honest, very honest, he doesn't lie। अब कंक्लूडिंग रिमार्क आप तीनों से, ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है आपके साथ शुरू करते वाली, मतलब सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सडनली मतलब ऐसा एक करिश्मा मेरे साथ हो जाएगा जिसमें मैं सलमान के साथ लगातार इस तरह की फिल्में करूंगा? नहीं, मतलब वो सोच ड्रीम कम ट्रू है ना ये किसी डायरेक्टर के? इस सवाल का जवाब हम लोग देंगे हमारी अगली पिक्चर के बाद। लेकिन आई थिंक हम में से कोई भी, मतलब हम जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारी फिल्म अच्छा करें। कोई वक्त जब उस टाइम होता है तो आदमी सिर्फ मेहनत कर सकता है। आई थिंक रियल टेस्ट तो ऑडियंस के साथ होता है, और आई थिंक जब इतना सब कुछ हो गया है, एज पीपल ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी वी कैन ओनली थैंक द ऑडियंस, यू नो। और वही चीज़ होती है, और प्रेशर बढ़ता है, मतलब आज सर और मैं अगर दोबारा दूसरी फिल्म करेंगे तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, कटरीना के साथ अब मैं काम करूँगा तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी उसको लेकर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। Ek Tha Raga was the last film we did together, and then the next film we were doing was its sequel. I somehow felt there was another film in between. There wasn't, but somehow that was in my mind. So I think it's really wonderful. It's a fantastic way to start the year. The amount of love the film has received and everyone has received for the film, I don't think I could have asked for anything more. 30 saal se Salman mania barqarar. I've just been very lucky. टाइम मेरा अच्छा चल रहा है, आई होप ये टाइम चलते रहे। फैंस गिव मी लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड आई जितनी मैं इस वक्त की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ उतनी, और उससे कहीं ज़्यादा मैं करता हूँ। जितना मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ इस समय का, उतना मैं करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा करता हूँ। आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई एम इन दिस पोजिशन, एंड आई एम in this film industry, and I'm bound to my parents, and I'm working with Katrina, with Ali, and Ali used to be a fifth assistant in Marigold, and his journey from there has been phenomenal. I've known Katrina over 17, 18 years now. So it's been a great journey. आपने ट्वीट किया कि विकास हो रहा है, 300 करोड़ मेरी फिल्म ने कमाया। हम्म, विकास कहा भाई ऐसे? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं किया। अच्छा, चलिए, 300 करोड़ की आपकी तीसरी फिल्म हो गई है जी, तो दो में बस तीन ही हुए। मुझे अपने फैंस से बात करनी होगी। हाँ। एक फैंस के साथ एक क्लोज्ड कॉन्फ्रेंस, क्लोज्ड डोर मीटिंग, क्लोज्ड डोर कॉन्फ्रेंस। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से लोग आपको पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।